हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुधा। आज हम समा के चावल की खीर बनाएंगे। समा के चावल की खीर फलाहारी खीर होती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसे किसी भी व्रत में बना के खाया जाता है। तो चलिए खीर बनाना शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी, 4 से 5 पिस्ते, आधा कप चावल, 4 से 5 बादाम और 2 इलायची ली हैं, 4 से 5 काजू लिए हैं और 2 गिलास दूध लिया है। ग्राम में ये 400 ग्राम दूध है और इसे हमने उबालने के लिए रख दिया है। दूध का मेजरमेंट मैंने इस गिलास से लिया है। इस गिलास में 200 ग्राम दूध आता है। और हाँ फ्रेंड्स, हम जिस बर्तन में दूध उबलने रखते हैं उस बर्तन को एक बार धो जरूर लें, कि जैसे कि हमारे बर्तन सूखे होते हैं तो एकदम से दूध ना डालें, क्योंकि दूध तले में लग जाता है। बर्तन को धो लेंगे तो तले में दूध नहीं लगेगा। और दूध में एक उबाल आने के बाद चावलों को डाल दें। मैंने 400 ग्राम दूध की खीर बनाई है। अगर आप 500 ग्राम दूध की खीर बनाएं तो उसमें 50 ग्राम चावल लें। इस मेजरमेंट से खीर बहुत अच्छी बनेगी। मीडियम फ्लेम पर ही खीर को बनने दें और कचली से बीच बीच में चलाते भी रहें। यह खीर बहुत जल्द बन जाती है। तो चावलों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चावल हमारे अच्छे गल चुके हैं। तो थोड़ी देर हम 2 से 3 मिनट और पकने देंगे और उसके बाद ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 30 ग्राम चीनी डाली है। आप थोड़े इससे कम या थोड़ी ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। और इसके बाद ऐड करेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को हमने क्रश कर लिया था। ये ड्राई फ्रूट को भी हमने क्रश कर लिया है, काजू, बादाम, पिस्ता को। अब इन सारी चीज़ों को डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से खीर में मिला देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, दूध और चावल हमारे अच्छे मिल चुके हैं। तो यानी कि हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये खीर सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।